दोस्तों संसद के लोक लेखा कमेटी के अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल ने सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच को 24 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके के सी वेणुगोपाल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया और ओम बिरला से कहा, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत होने दीजिए। ऑपोजिशन और सेबी चीफ की मीटिंग को अभी आप फिलहाल रोकिए वरना आफत आ जाएगी। माधवी पुरी बुच कहीं कुछ सच उगल ना दे, क्या इसी के चलते डर रहे हैं साहिब? क्या अडानी और साहिब की सांठगांठ की पोल ना खुल जाए इसलिए बीजेपी डर रही है? आखिर इस मैटर को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को क्यों चिट्ठी लिखा है बताएंगे, क्योंकि पूरा माजरा बेहद गंभीर है। पूरा माजरा ये साबित करता है कहीं ना कहीं माधवी पुरी बुच और के सी वेणुगोपाल की मुलाकात को रोकना चाहते हैं ताकि सच बाहर ना आ जाए। पूरा माजरा आपको मैं बताऊंगी तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर, लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले देशनीति को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देशनीति पर, मैं हूं आपके साथ अदिति। देशनीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों सेबी चीफ माधवी पुरी बुच सवालों के घेरे में है। जितना सवाल माधवी पुरी बुच से पूछा जा रहा है या उन पर उठाया जा रहा है, उन तमाम सवालों के घेरे में सरकार भी है, क्योंकि अगर माधवी पुरी बुच फंसती है तो पूरी की पूरी बीजेपी सरकार फंस जाएगी, मोदी और निर्मला सीतारमण भी फंस जाएंगे। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच से कांग्रेस सांसद के नेतृत्व वाली संसद कमेटी ने सवाल पूछने की तैयारी क्या कर ली, उसका विरोध ही अभी से होने लगा। 24 अक्टूबर उन्हें बुलाया गया और 4 अक्टूबर से विरोध शुरू उसके खिलाफ। आखिर अगर वो गलत नहीं किया कुछ भी, अगर बीजेपी सरकार, अगर माधवी पुरी बुच एकदम दूध के धुले हुए हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर लोक लेखा कमेटी उनसे सवाल करना चाहती है तो उन्हें सवाल करने का मौका भी दिया जाना चाहिए और माधवी पुरी बुच से वो जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी या बीजेपी सरकार या सांसद, बीजेपी सांसद इसका विरोध अगर करते हैं तो ये और भी सवाल पैदा करने वाला है। दरअसल सरकार के खर्चों पर संसदीय निगरानी रखने वाली लोक लेखा कमेटी यानी पीएसी ने माधवी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। अगर ये कमेटी है, अगर ये कमेटी बनाई गई है, ये अगर संविधान के मुताबिक ये इस कमेटी की प्रेजेंस है हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हमारे पार्लियामेंट में, देश में, तो वो सवाल जरूर पूछ सकती है वो कमेटी। लेकिन बीजेपी सांसदों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया। माधवी पुरी बुच और ट्राई के अधिकारियों को 24 अक्टूबर को बुलाए जाने के बाद पैनल में शामिल भाजपा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। भाजपा सांसदों ने दावा किया है कि पीएसी द्वारा सेबी के खिलाफ जांच की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। अच्छा, अगर ये नियमों का उल्लंघन है तो किसी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस परीक्षा दिए बिना, अधिकारी के बिना कैसे एक प्राइवेट कंपनी से माधवी पुरी बुच को सीधे तौर पर सेबी का चीफ बना दिया गया? क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्यों माधवी पुरी बुच को सेबी चीफ बनाने के लिए सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया, पहले इसका जवाब सरकार दे दे। और ये सवाल उठाया जा रहा है, इस सवाल पर सरकार जो है घिरती जा रही है। अब ऐसे में सोचिए, ओम बिरला से जब ये मांग की गई है तो ऐसा तो नहीं ओम बिरला जो है वो बीजेपी के खिलाफ फैसला सुनाएंगे? हो सकता है कि इस चीज को वो रोक दे, हो सकता है ये जो मुलाकात या जो पूछताछ है कमेटी और सेबी चीफ और बाकी कुछ लोगों के बीच 24 अक्टूबर को, इसे पूरी तरीके से ओम बिरला रद्द कर सकते हैं और इसके लिए मांगे की जा रही है। मांगे करना, चिट्ठी लिखना तो फॉर्मेलिटी है,
ओम बिरला के पास शायद अभी तक वो नोटिस उन्हें भेज दिया गया है कि आप इसे रुकवा दीजिए। दोस्तों, कौन से नियम का उल्लंघन है ये, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसे लेकर के बीजेपी सांसद ने तर्क भी रखे, वो मैं आपको बताती हूँ। निशिकांत दुबे ने पिछले महीने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि पीएसी का ये कदम देश के वित्तीय ढांचे और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करेगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ओम बिरला को लिखा है कि इस प्रकार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए श्री के सी वेणुगोपाल के समिति द्वारा सेबी प्रमुख के खिलाफ जांच की घोषणा करने का एक असंवैधानिक और ये एक आप कह सकते हैं कि घृणित काम है। ये घृणित काम है जो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है और प्रक्रिया बिजनेस के संचालन के प्रावधानों के नियम 308 का साफ उल्लंघन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप श्री के सी वेणुगोपाल को उपरोक्त टूलकिट के हाथों में खेलने और लोक लेखा कमिटी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग ना करने के लिए रोकें। बता दें, पीएसी ने शुक्रवार को 24 अक्टूबर को होने वाली अपनी अगली बैठक के लिए अपने एजेंडा को अंतिम रूप दे दिया। सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि पीएसी को अभी तक सेबी से इस बात की पुष्टि नहीं मिली है कि बुच बैठक में खुद भाग लेंगी या अपना कोई प्रतिनिधि भेजेंगी। उन पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अलग अलग तरीके से अनियमितता का आरोप लग चुका है। रिपोर्ट के अनुसार निशिकांत दुबे ने ये लेटर जो है 9 सितंबर को लिखा था, जब पीएसी ने संज्ञान लेकर के सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला लिया था। यानी ना सरकार सेबी चीफ पर कार्रवाई करेगी, ना किसी को कार्रवाई करने देगी, ना गोदी मीडिया सवाल पूछेगा, ना किसी स्वतंत्र पत्रकार को इस पर सवाल पूछने देगा। पैनल में शामिल भाजपा सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पैनल के पास नियामक बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सीएजी तब तक इसका ऑडिट नहीं कर सकता जब तक केंद्र सरकार इसकी अनुमति ना दे। वाह, मतलब हर एक सेक्टर में केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कब्जा पाने की या एक तरीके से कब्जा कर चुकी है। अब उसमें अगर आप कितना भी सच निकालने की कोशिश कर ले, सरकार, सत्ता पक्ष आपको इजाजत नहीं देने वाली है। इसीलिए देखिए ना, पीएसी ने जब मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में माधवी पूरी बुच के साथ पीएसी की मीटिंग ना हो, उनसे सवाल जवाब ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सच बाहर आ जाए, सरकार के खिलाफ माधवी पूरी बुच अगर खुद को बचाने के लिए कुछ कह दे तो बीजेपी सरकार की बहुत ही किरकिरी होगी। निर्मला सीतारमण की किरकिरी होगी, मोदी की तो होगी ही अलग से। इसीलिए कहीं ना कहीं इस मुलाकात को, इस मीटिंग को, इस सवाल जवाब के इस एपिसोड को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, की नहीं जा रही है, एक तरीके से रोक दिया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद इसके खिलाफ हस्तक्षेप के लिए अध्यक्ष से संपर्क कर रहे हैं। अब अध्यक्ष ओम बिरला है जो कि बहुत ही आसानी से इस पूरे मामले को दबा देंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सच निकालने के लिए कोई जगह बचा हुआ नहीं है। अडानी मामले को ये कहां से ये पूरा मैटर जो है जुड़ा हुआ है, आप एक बार सोचिए। हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर के इतना बड़ा खुलासा किया, अब वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी पूरी जिम्मेदारी सेबी को सौंप दी तो सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी और उसके बाद पता अब चल रहा है कि सेबी का जो चीफ है वो खुद अडानी मैटर में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अडानी के ऑफशोर कंपनीज की हिस्सेदारी उनके पास भी है, उनके पति के पास भी है, जो ना कभी आईएएस आईपीएस रहे, ना कभी उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक दिए, सीधा प्राइवेट फर्म से उन्हें सेबी चीफ बना दिया गया। क्यों बनाया गया, इस सवाल पर पर्दा डालने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, क्योंकि इसका तार कहीं ना कहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, सच का सामना करना सबकी बस की बात होती नहीं है और सरकार खुद कार्रवाई करने की बजाय अगर कोई कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई को भी रोकने पर उतावले हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? सेठ
साहिब और सेबी, इन तीनों पर आपके विचार क्या हैं? कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को, सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत देश नीति रखता है, ऐसी पत्रकारिता को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप समर्थन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट हम खुद पढ़ते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।